अब देख बिना ब्रेक। डाउनलोड टक ऐप। श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा, आप लोगों का एस्ट्रो गुरु। एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आपके पास धर्म तथा ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों को लेकर आता है। आज हम प्रेम विवाह, जी हाँ, मैंने एक नए एपिसोड को शुरू किया है जिसमें कि राशि के अनुसार प्रेम विवाह की बात, तो आज वृष राशि के बारे में चर्चा करेंगे कि वृष राशि वाले जातक यदि प्रेम विवाह करना चाह रहे हों और अपने प्रेम में सफलता की प्राप्ति चाह रहे हों तो उनको क्या उपचार करना चाहिए जिससे वो अपने प्रेम की सफलता को प्राप्त करें और प्रेम विवाह वैवाहिक जीवन में जुड़े। देखिए, प्रेम ईश्वर का एक अनुपम भेंट है मानव के, जिससे मानव को सुखद एहसास तथा आनंद की प्राप्ति होती है। यदि परमानंद कहें तो परमानंद प्रेम ही है। साथ ही साथ वृष राशि वाले जातक हृदय के बहुत कोमल होते हैं, ऊपर से थोड़ा कठोर बनने की कोशिश भी करते हैं, परंतु बहुत ही दयावान तथा प्रेम से ओतप्रोत होते हैं। वृष राशि वाले जातक प्रेम विवाह के लिए, उनकी कुंडली में यदि प्रेम विवाह का योग बन रहा हो बहुत उत्तम है। मैंने पूर्व में बताया था कि प्रेम का योग बनने के लिए पंचमेश नवमेश, पंचमेश और सप्तमेश का संबंध हो, नवमेश की दृष्टि हो, उसका भी संबंध हो तो बड़ा सामाजिक रूप से भी स्वीकृति मिल जाती है और विवाह हो जाता है। यदि आप वृष राशि वाले जातक प्रेम की प्राप्ति चाहते हैं कि आप प्रेम विवाह में सफल हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले वृष राशि वाले जातक के लिए बहुत स्पष्ट है कि गेहूं कलर का यदि आपको रुमाल मिलता है तो आप गेहूं कलर का रुमाल रखें और उस पर श्वेत धागे से, बहुत स्पष्ट है, अन्य धागे का प्रयोग ना करें, श्वेत धागे से अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम अंकित करें और अपने पास रखें। साथ ही साथ आपको एक और काम करना है, वो काम यह है कि अपनी उस प्रेमी या प्रेमिका को ध्यान करते हुए भगवान शंकर तथा पार्वती के मध्य एक संबंध स्थापित करना होगा धागा से और दधि से स्नान कराना होगा। ऐसा आपको एक सप्ताह आप कर लें, वो शुक्ल पक्ष में करें तो बड़ा उत्तम होता है। और शुक्ल पक्ष में यदि यह प्रतिपदा से शुरू करके आप सप्तमी तक इसको यदि ले जाते हैं और प्रत्येक दिन नित्य प्रतिदिन करते हैं, यदि तिथि का ध्यान ना हो तो आप शुक्रवार से शुक्रवार भी आप कर सकते हैं। दधि का प्रयोग करना है और दधि से भगवान शंकर तथा माता पार्वती को स्नान कराना है। ध्यान रखें, स्नान कराने से पूर्व ब्रह्मगांठ बांधना है, मौली धागा जो हाथ में रक्षा सूत्र होता है, जो अक्षर लिखते हैं लोग हाथ में बांधते हैं, उसी धागे से 3 बार उस धागे से घुमाना है और बांधना है। वृष राशि वाले जातक के लिए यह विशेष है। और दधि से स्नान करते वक्त अपने प्रेमी या प्रेमिका का ध्यान करते हुए उस भाव से स्नान कराएं और फिर जल से स्नान कराएं। और जल से स्नान कराने के उपचार के बाद आप इत्र युक्त चंदन ध्यान रखेंगे, इत्र युक्त चंदन अर्पित करें, सुगंधित चंदन अर्पित करें भगवान शंकर को और माता पार्वती को। ऐसा करने से आपके प्रेम विवाह के योग में समझिए कि गति आ जाएगी और आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम का अनुपम रूप भगवान शंकर तथा माता पार्वती का संबंध है, तो हम उम्मीद करेंगे कि हमने जो आपको प्रेम विवाह योग बताया, यदि आपकी जन्म कुंडली में है तो बहुत उत्तम, और वृष राशि वाले जातकों में थोड़ा दिक्कत आ रहा हो, आप सामाजिक रूप से उसकी स्वीकृति नहीं मिल रही हो, प्रेम काफी है और उसको विवाह में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो ये आप जो मैंने उपचार बताया है दधि का तथा ब्रह्मगांठ का माता पार्वती तथा भगवान शंकर के साथ, उसको करें और कर अपनी सारी समस्याओं से दूर हो जाएंगे,
तथा उस अनुपम आनंद तथा प्रेम, अनुपम आनंद का अर्थ ही प्रेम है, उस प्रेम को आप प्राप्त करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अगले एपिसोड में फिर कुछ विशेष इसी प्रेम से संबंधित चीजों को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, साधुवाद। तो अब देख बिना ब्रेक, डाउनलोड टक ऐप।